टू माई चैनल मिकिसिंग आईटीआई। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है काफी इम्पोर्टेंट। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल करें सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ज्यादा समय ना लेते हुए टॉपिक को करते हैं। स्वागत है सभी दोस्तों का। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्लैंक साइज कैसे निकालते हैं, ब्लैंक साइज क्या है, ब्लैंक साइज कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ब्लैंक साइज फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लैंक साइज होता क्या है। जब हम बाहरी चूड़ियाँ बनाते हैं एक्सटर्नल थ्रेड के लिए, जो हम राउंड बार लेते हैं उसका जो व्यास है उसे ब्लैंक साइज कहते हैं। इससे पहले हमने टैप ड्रिल साइज के बारे में बताया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मन में एक क्वेश्चन और आता है कि यार पिच होती क्या है। तो पिच दो क्रमागत चूड़ियों के बीच की जो दूरी होती है उसे पिच कहते हैं। ब्लैंक साइज कैलकुलेशन कैसे करें। M 22 × 2.5, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका ब्लैंक साइज कितना आएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारी एक्सटर्नल थ्रेड है, तो इसका हमें ब्लैंक साइज ज्ञात करना है। कैलकुलेशन करने से पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वे लिख लेंगे, D-P/10। तो हमारा डाया कितना है, हमारा डाया 22 है और हमारी जो पिच है वो हमारी कितनी है, 2.5 है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे हमारा डाया 22 माइनस हमारी पिच कितनी है, 2.5 अपॉन में क्या है, 10 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 22, हमें क्या करना है, 22 का मल्टीप्लाई 10 में करना है। 22 × 10 माइनस 2.5 upon 10, तो हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 220 माइनस 10 upon में क्या आएगा, 10 आएगा। अब हमें क्या करना है, 220 में से हमें क्या करना है, 2.5 को माइनस करना है। तो ये माइनस कैसे होगा, माइनस करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, 220 और नीचे क्या लिखना पड़ेगा, 2.5। यहाँ पे पॉइंट लगेगी, पॉइंट के पीछे जीरो लगेगा। 10 में से 5 गया, 5 × 7 0.12, ये हमारा ब्लैंक साइज निकल गया है। ये हमारा ब्लैंक साइज कितना है, 21.75। ये हमारा ब्लैंक साइज निकल के आ गया है।